हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड एंड आई एम गुड। बस आज है मंडे और मंडे को ये नया ब्लॉग शूट कर रही हूँ मैं। आज बच्चे भी जल्दी आ गए थे स्कूल से। और आप सब कैसे हैं और क्या चल रहा है आप सब की लाइफ में, प्लीज़ कमेंट करके बताएं। और हाँ, रखा है मैंने, मतलब फ्रीजर में रखा हुआ था ना, उसे सॉफ्ट करने के लिए, मेल्ट करने के लिए रखा है। सुबह की शुरुआत हो चुकी है, यही काम चालू है। आज मैं बना रही हूँ प्याज और आलू की सब्जी, दाल राइस, सब्जी रोटी, आज लंच में ये। और दोनों बच्चे अंदर बैठे हुए हैं, दोनों बच्चे अंदर हैं, अपना अपना काम कर रहे हैं। ये देखो आइस के ऊपर ड्राइंग का फितूर चढ़ा हुआ है। हाँ, कि इस लड़की के ऊपर ड्राइंग का फितूर चढ़ा हुआ है। ये ड्राइंग कर रही है कल रात से, कि कल रात से ड्राइंग कर रही है ये लड़की। कुछ ना कुछ देख देख के और बना रही है। और फिर बोले मैंने कितना अच्छा बनाया ना, कितना अच्छा बनाया। ये देखो सेम है, फितूर चढ़ा हुआ है इस पर ड्राइंग बनाने का। और ये अपने कोई एक टूर्नामेंट की मैच खेल रहा है। अब उसके बाद ये दोनों पढ़ने के लिए बैठेंगे, फिर जब तक लंच प्रिपेयर होगा उसके बाद फिर हम लंच करेंगे और फिर अगेन ये पढ़ने के लिए बैठेंगे। बीच बीच में 15-20 मिनट की धैर्य की टूर्नामेंट रहती है, तो वो भी खेलता है, उसके बाद फिर पढ़ने के लिए बैठ जाता है। और अभी कोमल भी पढ़ने बैठे ही, आज उसका ट्यूशन शाम का है, मतलब रात का है। एक्चुअली बोर्ड के पेपर्स चल रहे हैं ना, तो जो इनके ट्यूशन सर है उनकी भी ड्यूटी होती है 12th और 10th वाले बोर्ड के बच्चों की। तो इसलिए आजकल जिस दिन पेपर रहता है उस दिन वो देर से बुलाते हैं ट्यूशन में। तो चलो कोमल, ड्राइंग मास्टर हम जा रहे हैं, ठीक है? और आज लंच में क्या बना रही पता है आप लोगों को? आज है दाल फ्राई, राइस और रोटी। और सब्जी में है आलू और प्याज की सब्जी। आज तुम लोगों को सब्जी अलग लगेगी बिल्कुल, ठीक है? चलो, हम लोग संभावना सेठ का ब्लॉग देख रहे थे। हम उनका ब्लॉग देखते हैं हमेशा ही, कि उनका ब्लॉग देखते हैं और भी बहुत सारे लोगों का देखते हैं, बट वो संभावना सेठ का भी बहुत पसंद है। तो उसमें वो लोग गाँव गए हुए हैं गोरखपुर, तो गांव देख के बच्चों को इतना अच्छा लग रहा था, बोला हम भी गांव जाएंगे। मैंने बोला हाँ, आज तक मैंने गांव नहीं देखा है, हमारा गांव तो मुंबई है, मैंने आज तक गांव नहीं देखा है। तो मैं बोला अगर होप सो लाइफ में ऐसा रहा तो हम सब जाएंगे ज़रूर, कि जाएंगे ज़रूर। और गांव बहुत अच्छा लगता है सच में, गाँव में तो सीरियसली एक सुकून है। हर कोई जब अपनी एक धरती पर जाता है ना, भले वहाँ उसका जन्म हुआ हो नहीं हुआ हो, तो बहुत सुकून मिलता है। और सच में गांव से जुड़े रहना चाहिए हमेशा हर किसी को, मुझे भी बहुत पसंद है। तो होप सो लाइफ में पॉसिबिलिटीज होंगी तो ज़रूर जाएंगे और हर जगह पर मैं जाना चाहती हूँ। चलिए मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद, बहुत लंबा हो गया ये। हे गाइस, पूजा कर रही थी, पूजा हो गई मेरी, जप हो गया। और आज सोमवार था तो ऐसे ही सोचा कि खीर बना देती हूँ, और सोचा बस ऐसे ही कुछ बाहर जाके वहाँ मंदिर के वहाँ कुछ लोगों को बांटा हूँ खीर। आज सोमवार भी था और अचानक ही ऐसा मन हो गया कि जाके बांट कर आती हूँ, बना लेती हूँ खीर। घर में तो बच्चे इतना ज़्यादा मीठा खाते नहीं है, कि मीठा खाते हैं बट इतना, मतलब खीर से बहुत बच्चे उबता जाते हैं, कि खीर इतनी ज़्यादा, मतलब बहुत टाइम के बाद बनती है ना, तो वो बहुत ज़्यादा शौक से खाते हैं। और कितनी खाएंगे, बस एक एक बाउल, बहुत शौक से भी फ्रीज में रखूँगी, ठंडी होगी एक एक बाउल बस, उससे ज़्यादा नहीं। बट मेरा मन था कि खीर बनाऊँ और थोड़ा आज बाहर ऐसी बांट के आऊँ। लेट्स सी, अभी देखती हूँ, कोमल गई है ट्यूशन, आ जाए तो फिर जाती हूँ। और सोच रही हूँ वहाँ से बड़ा पाव भी ले लूँ थोड़ा सा, तो ये थोड़ा तीखा भी हो जाएगा, थोड़ा मीठा भी हो जाएगा, जिसे भी दूँगी उसके लिए, है ना? तो बस यही सोच रही हूँ, जाती हूँ। मन को भी बहुत अच्छा लगता है।
पहले मैं मंदिर के वहाँ जाती थी बांटने, तो मुझे 2-3 बार एक बाबा मिले थे, वो बहुत अच्छे थे, मतलब बहुत अच्छे थे। उन्हें मीठा खाना बहुत पसंद था, उन्होंने मतलब मैंने ऐसे डब्बे में पैक कर, जो अपना डिस्पोजल आता है ना उसमें ले जाती हूँ पैक करके, तो मैं उन्हें दे रही थी, तो मुझे मतलब ऐसा है ना कुछ मेमोरीज बहुत याद रह जाती है, मतलब वो हार्ट टचिंग होती है, कि हार्ट टचिंग होती है। और पता नहीं क्यों मैं ना जो बुज़ुर्ग होते हैं ना उसमें जो मेल होते हैं जो अपने फादर फिगर होते हैं जो एक दादाजी फादर सबकी याद दिलाते हैं, तो जब मैं उनको देखती हूँ ना तो मुझे पता नहीं कुछ तो होने लगता है, मतलब बहुत ऐसे लगता है ना बस उनका हाथ पकड़ूँ और ऐसे मेरे फेस पे टच करूँ। मैं स्कूल जाती थी ना तो स्कूल जाने के टाइम पे एक पठान थे, काफ़ी लंबे चौड़े से अंकल, मतलब काफ़ी बुजुर्ग 75 या 76 ईयर्स के थे वो, तब तो हम बहुत छोटे थे, मैं 5th या 6th में थी। तो हम जाते थे जिस वे में, मतलब आधे रास्ते में एक फैक्ट्री पड़ती थी, वहाँ के वो वॉचमैन थे तो वहाँ कुर्सी पे बैठे होते थे, काफ़ी बाप रे लंबे, जितने लंबे, और वो एज के हिसाब से बॉडी भी बहुत ज़्यादा उनकी। तो मैं स्कूल जब भी जाती थी तो मॉर्निंग में नहीं मिलते थे, आने के टाइम आफ्टरनून में ही वो बैठे हुए होते थे, कभी कभी मॉर्निंग में मिलते थे। तो मैं जब आती थी ना तो मैं उनको देखती थी, तो पहले स्टार्टिंग में उनका हाथ पकड़ के मैं ऐसे ऐसे करके और फिर उनका हाथ दोनों ऐसे फेस पे रखती थी, और वो कुछ बात नहीं करते थे, सिर्फ हंसते थे और मैं उनको देख के हंसती थी थोड़ा बस, कभी बात नहीं करी, कभी कुछ बोला नहीं, और मुझे भी इतना समझ नहीं आता मैं क्या बात करूं। तो मतलब वो भी ना, वो मतलब वो जो उनके हाथ का जो पाम का जो टच है ना, मुझे याद है, अभी भी याद है, पूरे हाथों में मतलब इतनी श्रिंकेज, पूरी क्या कहते हैं उसे, झुर्रियाँ, और वो हाथ इतना बड़ा सा, और मतलब वो मुझे अभी भी याद है। तो मैं कहीं पे भी ऐसे किसी से मिलती हूँ ना, वो मुझे बहुत मतलब वो चीज़, जैसे हम कोई चीज़ खाते तो हमें उसका स्वाद याद रहता है, वैसे मुझे किसी का भी वो टच बहुत याद रहता है। तो मुझे पता नहीं क्यों जो फादर फिगर हमारे होते हैं, जो दादाजी ऐसे जो फिगर के होते हैं ना लोग, वो मुझे बहुत ज़्यादा बहुत हार्ट टचिंग लगता है यार, मालूम नहीं क्यों, शायद मेरे पापा नहीं रहे ना इसलिए, मेरे फादर का तो मुझे कुछ याद ही नहीं है क्योंकि मैं बहुत छोटी थी तब वो ऑफ हो गए थे। मुझे अच्छा लगता है ऐसे। चलिए अभी जल्दी जल्दी कर लेती, भूख भी लगाना है, तो फिर बाद में थोड़ी देर बाद मिलती हूँ आपसे। लंच के टाइम पे मैंने शूट नहीं किया क्योंकि लाइट्स बंद रहती, और दोनों बोलते नहीं लाइट बंद रहने दो, मतलब लाइट चालू मत करो, फिर एक बार चालू करके और फिर रिकॉर्ड के लिए बैठ जाते और खाना सर्व कर लेते, फिर उठने नहीं होता, तो इसलिए फिर रह गया शूट करने के लिए। चलिए अब आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर बाद में, है ना, भोग लगा दूँ और अब पैकिंग कर लूँ सब। हे गाइस, रात को मैं गई थी जाके, वहाँ पर अंधेरा रहता है तो इसलिए खीर जाके लोगों को देना था, वो सब बांट के करके आ गई थी, मंदिर जाके आ गई थी, तो वहाँ पर अंधेरा रहता है इसलिए वहाँ पे वीडियो शूट नहीं कर पाई थी, और मुझे ये सब वैसे भी मतलब अच्छा नहीं लगता। मैं जो बाबा को ढूंढने के लिए गई थी ना वो मुझे मिले नहीं, मैं हाँ इसके पहले जब बोल रही थी तो मैंने आपको बताया ना कि हाँ वो जो मंदिर के वहाँ में जाती ना, तो एक बार ऐसे ही एक बाबा मिल गए थे, काफ़ी बुजुर्ग थे वो, और वो क्या बोलते हैं, मैं उनको डब्बा जब देने लगी तो बोलते कि क्या है इसमें, तो मैंने बोला खीर है, तो बोलते मिट्टी तो है ना, तो वो खोले और तुरंत उसको खाए, और फिर बोलते कि अगली बार बना के लाना तो थोड़ा और मीठा बनाना, मुझे मीठा बहुत पसंद है। फिर मुझे इतना अच्छा लगा था ना ये बात, तो फिर मैं तभी से कई बार गई थी तो वो मिले थे, और मैं एक्स्ट्रा शुगर चम्मच सब लेकर जाती थी और उनको दिया था कि हाँ ये आप अलग से मिला लेना, सब लोग को इतना मीठा खाना ठीक नहीं है और आप भी मत खाओ, तो बहुत खुश। उनको मीठा बहुत पसंद था, पता है किसी किसी को मीठा बहुत पसंद था, मुझे भी मीठा बहुत पसंद है, अलग अलग तरह की वैरायटी में मुझे मतलब मीठा मेरा मन पसंद मिल जाए तो मुझे बहुत बहुत मतलब सुकून देता है, अच्छा लगता है मुझे। तो ऐसे उनको भी सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा था, होता है इन सब चीज़ों में बहुत सुकून मिलता है, बहुत अच्छा लगता है, पता है।
चलिए मैं इस ब्लॉग को यहीं पर क्या बोलते ये करती हूँ। अब मैं मिलती हूँ आपसे कल कल के नए फ्रेश ब्लॉग में। टिल देन आप सब अपना ध्यान रखें, अपने परिवार को खुश रखें, खुद खुश रहें, अपने परिवार को खुश रखें, अपने परिवार के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करें। और क्या सही बात गलत बात नहीं, मिलती हूँ आपसे अब मैं कल के फ्रेश ब्लॉग में। इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। और हाँ, आप सब मेरे ब्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। ओके बाय, लव यू ऑल गाइज।